नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीच बॉटनी। आज हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम के बारे में। कॉर्क कैम्बियम क्या है? हमें एनाटॉमी ऑलरेडी पता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के एनाटॉमी पता है। द आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोले थे? एपिडर्मिस बोले थे। उसके नीचे वाला लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोले थे? कॉर्टेक्स रीजन बोले थे। कॉर्टेक्स के बाद क्या आता? एंडोडर्मिस आएगा। एंडोडर्मिस के अंदर आपको वैस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे। वैस्कुलर टिश्यूज स्पेशली जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन एक कैम्बियम लेयर था, उसे हम क्या बोले थे? जस्ट आई एम ड्रॉइंग हियर, कंसिडर दिस इज अ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज देखने को मिलेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज के बिटवीन कैम्बियम लेयर था। कैम्बियम लेयर उसे हम क्या बोल रहे थे? वैस्कुलर कैम्बियम बोल रहे थे। वैस्कुलर कैम्बियम बोल रहे थे। बाय द सेकेंडरी ग्रोथ इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स, डाइकोट, स्पेशली डाइकोट प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगा ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी की वजह से दोनों के तरफ, झाइलम एंड फ्लोएम के तरफ सेल्स ऐड होते रहेंगे। सेल्स ऐड होने के वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? कॉर्टेक्स रीजन एंड एपिडर्मल रीजन के अंदर प्रेशर बन जाएगा। कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मल रीजन के अंदर प्रेशर बनने के बाद दीज कॉर्टेक्स रीजन सेल्स एज वेल एज एपिडर्मल सेल्स दे गेट रप्चर्ड। दीज सेल्स गेट रप्चर्ड, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स रीजन रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद टू रिपेयर दीज सेल्स, दीज कॉर्टेक्स रीजन सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स को रिपेयर करने के वास्ते एक लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मेशन होंगे। लेयर ऑफ सेल्स फॉर्मेशन होंगे। दीज सेल्स वी कॉल देम एज अ कॉर्क कैम्बियम ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। कॉर्टेक्स रीजन एंड एपिडर्मल सेल्स विल बी रप्चर्ड। टू रिपेयर दो सेल्स, टू रिप्लेस दो सेल्स, वन लेयर ऑफ सेल्स विल बी फॉर्म, मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्पेशली, वन लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल बी फॉर्म। वी कॉल दैट लेयर ऑफ सेल्स एज अ कॉर्क कैम्बियम। हाउ दे आर? दे आर नैरो, थिन लेयर्ड, थिन वॉल्ड, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लेयर ऑफ सेल्स विल बी प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन्स। वी कॉल दैट लेयर एज अ कॉर्क कैम्बियम। दीज कॉर्क कैम्बियम्स दीज आर ऑल्सो मेरिस्टमेटिक सेल्स। मेरिस्टमेटिक सेल्स फंक्शन इज दे कंटिन्यूअसली अंडरगो अ डिविजन। डिविजन दोनों के तरफ होगा। कॉर्क कैम्बियम के दोनों के साइड के तरफ डिविजन होके सेल्स एड होते जाएंगे। यहां पर देखो, आई एम राइटिंग विद दिस ब्लू पेन। दोनों के तरफ ऐसे सेल्स एड होते रहेंगे, अपर पोर्शन के तरफ, पेरी पेरी के तरफ भी और सेंटर के तरफ भी। जो सेल्स जो कॉर्क कैम्बियम के सेंटर के तरफ एड होते रहेंगे उस लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलेंगे। जो सेंटर के तरफ एड हो रहे बाय द एक्टिविटी ऑफ अ कॉर्क कैम्बियम, द सेल्स विच आर फॉर्मिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ प्लांट, वी कॉल दैट पोर्शन ऑफ सेल्स एज अ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म बोल के बोलेंगे। फेलोडर्म जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो कॉर्क कैम्बियम का एक्टिविटी की वजह से जो ऊपर के तरफ और पेरिफेरल साइड के तरफ जो सेल्स ऐड होते जा रहे उस सेल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉर्क बोलेंगे और फेलम, कॉर्क और फेलम बोलेंगे। कॉर्क कैम्बियम का और एक नाम क्या है? फेलोजेंस। फेलोजेंस दीज थ्री लेयर्स, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स और एक नाम बोले तो फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे? पेरीडर्म बोल के बोल रहे। फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे? पेरीडर्म लेयर बोल रहे। ओके, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम दीज एपिडर्मल सेल्स विल बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इन सर्टन केसेस।
in certain cases, due to the activity of corc cambium, certain cells will rupture the epidermis and forms a lens-shaped opening or structure. Due to the activity of this corc cambium in certain region only, कुछ जगह के अंदर ये जो कॉर्क कैम्बियम का एक्टिविटी हो जैसे एपिडर्मल सेल रैप्चर हो जाएंगे. रैप्चर होने के बाद एक लेंस शेप वाला ओपनिंग फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लेंटी सेल्स बोलेंगे. क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स. दीज लेंटी सेल्स हेल्पफुल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द अदर टिश्यूज प्रेजेंट इन द एनाटॉमी ऑफ प्लांट, स्पेशली इन केस ऑफ रूट एंड स्टेम. डाइकोट के अंदर, डाइकोट के अंदर जो लेंटी सेल्स रहते ओपनिंग फॉर्मेशन करने के, एक ओपनिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के वास्ते मदद करेंगे. इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग बाय द कॉर्क कैम्बियम. बट इन केस सम केसेस दिस लेयर ऑफ सेल्स ड्यू टू द प्रेशर generated by the vascular cambium and corc cambium, these cells will be die. This layer of cells will be die and they forms a bark. Epidermal cell, these are the epidermal cells. Due to the pressures generated by the vascular cambium and corc cambium, these cells which are present in these all regions will be die, and that died cells forms the bark of the plant. Bark of the plant. Bark is a non-technical word. It is a non-technical word. So vascular cambium के ऊपर जो भी cells रहते, जो vascular cambium को छोड़ के ऊपर कौन सा भी cell रहने दो, endodermis layers, secondary phloem, phloem, endodermis और एक कॉर्टेक्स रीजंस, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एपिडर्मिस, सभी सेल को, सभी सेल्स किसके अंदर आ जाएंगे, बार्क के अंदर आ जाएंगे. बार्क कैसा रहता, डेड सेल से बना रहता. एंड दिस कॉर्क कैम्बियम इज वाटर इम्परमेबल. कॉर्क कैम्बियम कैसा है, वाटर इम्परमेबल है. क्यों बोले तो इसके अंदर सुबेरियन मटेरियल देखने को मिलेगा. सुबेरियन मटेरियल से बनाया रहता, सुबेरियन मटेरियल से बना सो रहा था. सुबेरिन वाटर इम्परमेबल मटेरियल है, इसलिए वाटर को अलाउ ना करेंगे. दिस इज समथिंग अबाउट द कॉर्क कैम्बियम. थैंक यू.